जय हिंद सभी को। सामन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 5 मैंने अपलोड कर दिया है। सारे पार्ट, 4 पार्ट हुए थे उसके, और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो भाई मौलिक अधिकार है क्या? आखिर जो संविधान के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और जो है किस अनुच्छेद के तहत क्या बात बोली गई है, कौन से मौलिक अधिकार हमारे पास हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, कि भाई मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है और उसका महत्व क्या है। तो सबको ये पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार यानी संविधान के भाग 3 में, संविधान के कौन से भाग में, भाग 3 में और 14 से लेकर 32 तक में जो है हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो 12 से 35 तक में दिखाए जाते हैं, तो उनमें से कुछ अनुच्छेद जो हैं वो अलग बातें बोलते हैं, इसलिए उसमें नहीं गिना जाता। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वो 14 से लेकर 32 तक में दिए गए हैं, वो अभी मैं आप लोग को अलग से बता दूंगा। जो 12, 13 और यहाँ पर 33, 34, 35 में क्या बातें बोली गई हैं वो अलग से मैं आप लोग को बता दूंगा लास्ट वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं भाई सबसे पहले मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है और महत्व क्या है। तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, तो भाई मौलिक अधिकार का अर्थ और महत्व होता क्या है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि भाई हमारा जो संविधान है वो उधार का थैला बोला जाता है, यानी कि अलग अलग देशों से हमने अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, कौन से देश से, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ सबको याद होनी चाहिए। तो देखो मौलिक अधिकार का महत्व क्या होता है बच्चों, कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में वर्णित है, ये तो हम जानते हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये सभी नागरिकों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देता है। अगर हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार ना हो, शिक्षा का अधिकार ना हो, तो हर तरीके से हमारा विकास होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे कि हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके। ठीक है, ये चीज़ है। मौलिक अधिकार देश में अल्पसंख्यकों के बीच में एक सुरक्षा का एहसास पैदा करते हैं। देखो पहले हमारे यहाँ क्या हुआ करता था, पहले जब मैं हिस्ट्री के पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, लोग कुछ कर नहीं पाते थे उसको देखते हुए। तो यहाँ पे क्या है कि संविधान के तहत हमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तो मौलिक अधिकार के तहत क्या है, आज अल्पसंख्यक वर्ग भी जो है आज शान से चल सकता है, शान से जी सकता है, बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है, उसको कोई भी जो है परेशानी नहीं होगी। तो ये चीज़ बताई गई है हमारे जो है संविधान के अंदर, बहुत अच्छी चीज़ दी गई है मौलिक अधिकार, जिससे क्या है पिछड़े वर्ग के लोग भी जो है आज उभर कर सामने आ रहे हैं। तो आधारभूत अधिकारों जैसे भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र कुछ नहीं है। तो वही आज हमें हर चीज़ की आज़ादी दी गई है, बस गलत कार्यों को करने पर पाबंदी लगाई गई है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी कर दी गई कि हमारे पास मौलिक अधिकार है। तो कुल कितने मौलिक अधिकार हैं बताओ, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में 7 मौलिक अधिकार थे, 7वां संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। चलो देखते हैं बच्चों, हमारे देश की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक, राजनीतिक समस्याएं मौलिक अधिकारों की ओर, मौलिक अधिकारों को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। यानी कि भाई हमें आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक ये सारे अधिकार दे रखे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपना बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत धारा 14 से लेकर 32 तक में जो है हमारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं, उल्लेखित हैं, और ये न्याय संगत हैं। न्याय संगत मतलब क्या है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम न्यायालय जा सकते हैं। तो ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए बात, कि हम न्यायालय जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो। उसके बाद क्या है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय, विधायिका और कार्यपालिका, यहाँ पे क्या बोला गया, उच्चतम या उच्च न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर रोक लगा सकती है। यानी कि कानून, देखो मैंने पिछले वाली वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था ना, कानून कौन बनाता है, कानून को लागू कौन करता है, तो कानून बनाने का काम विधायिका का है, उसको लागू कार्यपालिका करती है। तो इनके द्वारा बनाए गए कानूनों और लागू करने किए गए जो कानून है उसकी समीक्षा कौन करेगा, तो न्यायपालिका करेगी, ये सबको याद रखना है। तो भाई अगर कोई गलत कानून बनाए तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी, अगर जनता को कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे, और 7वां मौलिक अधिकार, बच्चों देखो मैंने बताया था ना 7वां मौलिक अधिकार, तो वो 1976 में, यानी 7वां मौलिक अधिकार जो था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको जो है
खत्म कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था 44वें संशोधन के द्वारा। ये चीज याद रखना आपको, कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें संशोधन के द्वारा उसको खत्म कर दिया गया और सिंपल सा उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार आज हमारे पास हैं। तो क्लियर हो गया ना? तो भाई मौलिक अधिकार क्या होते हैं ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया, और अब इसका महत्व भी है क्या, महत्व भी बता दिया मैंने आप लोग को कि भाई अगर मौलिक अधिकार नहीं होते तो हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक उत्थान हो ही नहीं पाता। तो मौलिक अधिकार इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे। तो चलो बच्चों देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में हमारे पास कुल कितने अनुच्छेद हैं, हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद दे रखे हैं, वो आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है, देखता हूँ भाई किस बच्चे का जो है आंसर सही आता है। तो हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वो आप लोग को बताना है। तो ठीक है, उसके अनुच्छेद यानी 14 से लेकर 18 तक में जो हमारा कौन सा दिया हुआ है, समानता का अधिकार। तो भाई समानता का अधिकार क्या है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष यानी कानून के सामने। विधि का मतलब क्या होता है, कानून का। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे, तो इससे पहले छोटी सी बात जान लेते हैं, समानता का अधिकार क्या होता है कि भाई समाज में प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा, समान होगा। इसको हम समता का अधिकार भी बोल सकते हैं, समानता बोल दो या समता बोल दो, बातें की है। तो समानता के अधिकार का अर्थ जो है सभी नागरिक समान रूप से विशेषाधिकारों तथा अवसरों का उपयोग करें या राज्य द्वारा धर्म, जाति, वंश, कुल, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और समानता के अधिकार में 5 प्रकार की समानताएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहला है विधि के समक्ष समानता, यानी कि भाई कानून के सामने सभी बराबर होंगे। संविधान के लिए ना, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कानून के लिए सब लोग बराबर हैं, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करेगा। अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उसको वही सजा दी जाएगी, चाहे आप किसी भी बड़े पद पर रहें या सबसे नीचे पद पर रहें, आपको समान सजा दी जाएगी। अगर भाई इसको 5 महीने की सजा दी जा रही है तो अमीर आदमी को भी 5 महीने की सजा, या बोल सकते हैं। तो इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। विधि के समक्ष क्या होंगे, सभी समान होंगे, यानी कानून की नज़रों में सब लोग क्या हैं, समान हैं। तो वही चीज़ बोला गया है, किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। दूसरा क्या है, समानता पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये चीज़ तो मैं साफ बोल दिया आप लोग को। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तभी तो सब लोग समान माने जाएंगे। तो वही चीज़ है, अगर समझ में आ गया हो तो बता देना कमेंट में, ठीक है। हाँ, और उसके बाद क्या है, सार्वजनिक रोजगार, देखो उसके बाद क्या दे रखा है, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, यानी कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति। भाई देखो यहाँ पर जो भी नियुक्ति होगी ना, योग्यता के आधार पर, ये नहीं कि भाई कोई ऊंचा है कोई नीचा है ऐसे इस आधार पर नियुक्ति हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि भाई योग्यता, जिसकी जितनी अच्छी योग्यता होगी उस आधार पर उसके उस पद पर बैठाया जाएगा। ये नहीं होगा कि भाई ऊंची जाति का है, ये ऐसी जाति का है, इस आधार पर लिंग है, यानी कि स्त्री पुरुष में भेदभाव करके उस पद पर बैठाया जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को पिछली वाली वीडियोस में कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, तो यहाँ सबकी पता नहीं क्या मेंटेलिटी एक अभी तक है कि भाई कोई भी मुसलमान होगा वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तो ये क्या सोच है, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, योग्यता वाला देश है, यानी कि जो योग्य होगा उसके वो बनेगा, चाहे यहाँ कोई जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, योग्य होना चाहिए, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। तो वही चीज़ है, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता होगी, यानी कि भाई अवसर, यानी कि सभी लोगों को जो है बराबर अधिकार यहाँ पे दिया जाएगा अवसर के आधार पर, यानी कि कोई भी कार्य कर सकता है अच्छे तरीके से अपने मन से, बस क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए वो। उसके बाद है अस्पर्शता का उन्मूलन, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है यहाँ पे। पहले क्या होता था कि भाई नीची जाति वाले ने किसी की जो कुएं से पानी पी लिया, अब जो है ऊपर की जातियाँ जो हैं उस कुएँ से पानी नहीं पियेंगी। छुआछूत का पूरा व्यवस्था फैला रखा है समाज में, तो बहुत बेकार कुप्रथाएँ चलती थी पहले। तो अस्पर्शता का उन्मूलन, यानी कि भाई आज संविधान के इस अधिकार के तहत सब लोग समान हैं, आप चाहे ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, या किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात पात के हो, तो संविधान के नजरों में सब लोग बराबर हैं, कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है। तो ये चीज के लिए हमारा हम बेफिक्र हैं कि भाई अस्पर्शता का उन्मूलन यानी कि इसका खात्मा कर दिया गया है, यानी सभी लोग समान होंगे, कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा
नहीं होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद क्या है, उपाधियों की समाप्ति की गई है, यानी सिंपल सी बात क्या है, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले भारत रत्न, पद्म, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि पद्म जो है अलंकरण हैं, ना कि उपाधियां हैं। ये सिंपल सी बात है, ये उपाधियां होती हैं, ये कोई वो चीज़ नहीं है कि हाँ भाई। तो सरकार भी जो है सेना या विद्या संबंधी उपाधि के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकती। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे सेना और विद्या में सिर्फ छूट मिलेगी हमें, और बाकी उसके अलावा किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को छूट किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगी। जैसे कर्नल हो गए, मेजर हो गए, कैप्टन, ब्रिगेडियर जनरल, तथा शिक्षा में ये देखो जैसे कर्नल, मेजर, ये सब क्या है, एक तरीके से पद सौंपा गया है ना, कर्नल, मेजर, कैप्टन, ब्रिगेडियर जनरल, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो आप योग्यता के आधार पर बनेंगे, ना ही किसी जाति धर्म के आधार पर। तो ये चीज़ है, जैसे प्रधान और प्रधान उसके बाद जैसे डीन बोला जाता है ना कॉलेजों में, उसके बाद लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर आदि, तो ये सिंपल सी बात है, ये क्या होंगे, आपके पद सौंपे जाएंगे, आपको उपाधियाँ दी जाएंगी। ये तो सिर्फ शिक्षा और सेना में आपको जो है कुछ छूट दी गई है, बाकी किसी भी चीज़ में आपको सरकार छूट नहीं देगी। तो आप लोग को ये याद रखना है अच्छे तरीके से। बाकी हम लोग समानता का अधिकार कर लिए हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया हुआ है, उसके अंदर ये सारी तरीके से हमको समानता मिली हुई है। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग अगले वाले पार्ट के अंदर, देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमको, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और हमारा एक मौलिक अधिकार हो गया है समानता का अधिकार। तो मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, देखते हैं उसके अंदर कौन से हम जो है मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। Thank you.